हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए हम न्यू डिज़ाइन की सॉक्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन डाल रखा है। तो इसको मैं 4-5 नंबर के लिए बना रही हूँ। इसका साइज 4-5 है। अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो एक डिज़ाइन और बना लीजिए, नहीं तो यहाँ पे ही फंदे बढ़ा लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप इस पे यहाँ पे 46 फंदे डाल लीजिए। 46 फंदे डालने के बाद 1, 2, 3 धारियाँ उल्टी उल्टी बना लीजिए और फिर उल्टी साइड से वाइट कलर एक सिलाई बना लीजिए। अब आगे का डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो 18 फंदे यहाँ बनाएंगे, 18 यहाँ, और बीच के फंदों पे जालियाँ बनाएंगे। तो देखिए, 10 जालियाँ मैंने यहाँ बनाई, 10 यहाँ और 10 यहाँ, तीनों में 10-10 फंदे बढ़ाए। तो देखिए किस तरीके से, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। देखिए, 2, 18 फंदे बनाएंगे हम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 फंदों पे हम जालियाँ बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से एक जाली बनाई। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए, अब इसके बाद जो 18 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना देंगे। अब इसके बाद दो सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बनाएंगे। एक धारी बन गई हमारी, तो एक और बना देंगे हम यहाँ पे, दो धारियाँ वाइट की। अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उल्टा उल्टा ही बनाते जाना है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया। अब एक धारी हम पूरी ऐसे ही बनाएंगे इन्हीं फंदों की। इसके बाद 1, 2, 3 धारियाँ फिर इसकी, और फिर इसके बाद फिर हम इस जब ए वाला वाइट बनाएंगे तब हम फिर जालियाँ बनाएंगे। तो देखिए, उल्टी सिलाई से हम फिर से पूरी स्लाइस को उल्टी ही बना देंगे ऐसे। ये सिलाई मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, दो धारियाँ मैंने बना ली उल्टी उल्टी। अब हम 3 धारियाँ इस वाले कलर की बनाएंगे। अब ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ जो हमारे पास फंदे हैं इन्हीं को दोनों साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो ये 3 धारियाँ और बना लेती हूँ मैं पर्पल की। फिर उसके बाद एक बार फिर दिखाती हूँ किस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी आपको आगे। बस ऐसे ऐसे दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब देखिए फ्रेंड, फिर से हमने यहाँ से जालियाँ बनानी हैं। तो देखिए, पहले हमने 18 फंदे बनाए थे, अब 23 फंदे इधर बनाएंगे, 23 इधर, और बीच में जालियाँ बनाएंगे। देखिए, पहले 23 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और बीच के 10 फंदों पे फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगले
तेईस फंदे फिर उल्टे उल्टे। इसी तरह से इसके बाद फिर हमने एक बार फिर जालियां बनानी है, दोनों साइड बराबर फंदे और बीच में 10 फंदों पे जालियां। ये देखिए इतना बना लेती हूँ मैं, फिर आगे का ही आपको बाद में बनाना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिए मैंने तीन डिजाइन, तो 39 फंदे इस साइड और 39 ही इस साइड। अब ये देखिए, अब ऐसे बनाएंगे हम, आठ धारियाँ इस साइड, आठ इस साइड और बंद कर देंगे फिर। तो यहाँ तक मैंने 39 फंदे बना लिए, अब यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे और दूसरी धारी अपनी बनाना कंप्लीट करेंगे। और कुछ भी नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बनाना है दोनों साइड से और इनको फिर बंद कर देना है। ये सिलाई भी उल्टी, अगली भी उल्टी। इसके बाद फिर मैं आपको ये सिलना बताऊंगी और इसके अंगूठे के साइज कितना हमने रखना है, कितने फंदे बंद करने हैं और कितने छोड़ने हैं। बस इसी तरीके से आप ये बना लीजिए। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आठ आठ धारियाँ दोनों साइड। अब देखिए फ्रेंड, दोनों साइड मैंने आठ आठ धारियाँ बना ली और 10 फंदे यहाँ से यहाँ बंद कर लिए। अब 10 ही मैं यहाँ से आपको बंद करना बताती हूँ। पहले हम पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और अगला फंदा हम बना देंगे। अब इसके बाद जो पीछे वाला फंदा है इसको ऐसे उतारते जाएंगे, ये बनाते जाएंगे, ये उतारते जाएंगे। तो दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। अब देखिए ये वाला फंदा हम ऐसे ले आएंगे और ये उल्टी साइड हम ऐसे करेंगे, बाहर की साइड, और सीधी हमारी अंदर की साइड है। अब एक सिलाई और चाहिए हमें, तो इस तरीके से हम दो दो फंदे का एक एक करते जाएंगे। तो एक फंदा ए, एक ए, इन दो का एक कर दिया। फिर अगला एक एक, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेते हुए पीछे वाला उतारते जाएंगे ऐसे। फिर दो का एक पीछे वाला उतारेंगे, ऐसे ही हम लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देंगे। इसके बाद फिर सिलेंगे हम इसको, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं सभी फंदे ऐसे ही बंद कर लेती हूँ। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, एक बनाएंगे, पीछे वाला इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। बहुत ईजी है, तो ये मैं बंद कर लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड, सिलेंगे हम पहले, ये देखिए यहाँ से यहाँ बंद हो गए। अब यहाँ से यहाँ सिलेंगे, फिर अंगूठे सिलेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हम एक एक फंदा लेंगे ऐसे, एक इधर से, एक इधर से। यहाँ पे दो बार हम ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से, फिर ऐसे नीचे तक सिलते जाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए एक इधर का, एक इधर का, ये वाइट वाले भी इसी से सिल देंगे हम। तो नीचे तक मैं ये ऐसे ही सिल लेती हूँ। इसके बाद फिर अंगूठे सिलेंगे हम। अब देखिए अंगूठे सिलेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे पहले इसको, ये देखिए ये वाला सेंटर और ये वाला जॉइंट, दोनों को ऐसे मिलाएंगे और एक कोने से दूसरे कोने तक सिल देंगे। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिलना बताऊंगी। ये देखिए ऐसे ऐसे सिल दिया, दोनों साइड से नीचे तक ऐसे ही सिलते जाएंगे इसको, इस साइड से भी और दूसरी साइड से। ये देखिए यहाँ सेंटर में हम जॉइंट अच्छे से लगा देंगे ताकि ये बाद में खुले ना, फिर ये गंदा लगता है। बस इसी तरीके से हमें सिल देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद फिर हम धागा काट देंगे थोड़ा सा नीचे ला के। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो बार सुई पे धागा घुमाएंगे और यहाँ पे पक्का हो गया। अब हम इसको काट देते हैं, फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंगूठे, इनको भी जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम काट देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बूट बन के कम्प्लीट हो गया है, बहुत ही सुंदर। और देखिए इस तरीके से इसकी शेप आएगी जब हम पहनेंगे। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।